दोस्तों, मेरा नाम देवनाथ चंद्रा है। दोस्तों, इंडियन करेंसी और मलेशिया करेंसी एक्सचेंज करने के बीच में घपला हो गया। मलेशिया करेंसी में कुछ ही नोट सही निकला और बाकी सब बेकार निकला, डुप्लीकेट। तो दुर्ग पुलिस ने पकड़ लिया है और आज देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं उनके ऊपर। आइए देखते हैं। उन्होंने देखकर हम लोग को भेज दिया था कि उनके पास जाकर ऐसे कपड़ा खरीदो और उसका बहाना ये दिखा। कौन भेजा था? वो जो राजेश कुमार, किसी बंगाली ने बंगाली बता रहा है। बड़ी को था रे। हां, हम दोनों कैसे से नुमाया आवा और कितने लोगों को बेवकूफ बनाया ऐसे। बहुत देर कितने लोगों को खाली जाने था। एक ही ने देख बड़ी जीव जब लाते की हुई तो ना खाते का जो बना थे बांग्लादेश से लाते हो गया नोट को और इनके नेटिव प्लेस से, वहाँ नेटिव प्लेस में जो भी थाना है वहाँ से हम पत्राचार करके इस बारे में जानकारी लेंगे और जांच में और चीजें स्पष्ट। क्षेत्र का मामला है जहाँ पर कल दिनांक को तीन लोग जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं उनके द्वारा जो हमारा प्रार्थी है विजय जैन, उनके कपड़े की दुकान है, उनके पास आकर मलेशियन करेंसी दिखाकर उनको एक्सचेंज करने की बात कही, जिस पर से जो प्रार्थी है इनके भुलावे में आ गया, इनके ठगी में आ गया और इनके साथ 3.5 लाख रुपए की डील कर लिया और जो प्रार्थी से इन्होंने 3.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी रुपीस ले लिया और बदले में इनको मलेशियन करेंसी दिया। जब प्रार्थी ने बाद में उन करेंसी मलेशियन करेंसी को चेक किया तो कुछ नोट ही सही निकले, बाकी नोट जो है फेक निकले। उस पर से इन्होंने तत्काल सुपेला पुलिस को इन्फॉर्म किया, अपराध पंजीबद्ध कराया। सुपेला पुलिस ने भी इसमें मामले में गंभीरता दिखाते हुए ये जो आरोपी थे भागने के फिराक में थे इनको घेराबंदी कर पकड़ा और सारे कैश वैश इनसे रिकवर कर लिया गया है और इसमें आईपीसी की धारा 420-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। सर, इसको जब सामने वाले आरोपी ने जब करेंसी दिया तो कैसे देख पाया कि इसमें ये तो इनका यही एक मोडस ऑपरेंडी है, ये विश्वास में लेकर इतना विश्वास में लेते हैं कि सामने वाला चीजों को चेक नहीं करता, बाद में जब चेक करता है जब तक ठगी का शिकार हो गया रहता है। तो ये जो प्रार्थी है कहाँ के रहने वाला है? ये भिलाई 3 ओल्ड भिलाई थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इनका दुकान भी वही है लेकिन इनके साथ जो ठगी एक्सचेंज का सारा चीज हुआ वो गदा चौक में हुआ जो कि सुकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है और वहीं पर आकर ये सारा डील कर रहे थे। क्या ये पहले से प्रार्थी से कुछ संपर्क हुए थे पहले से? ये जांच का विषय है लेकिन प्रार्थी इनिशियल ये बोल रहा है कि इनसे पहली बार मुलाकात हुई है लेकिन हमारे जांच में चीजें क्लियर होंगी। और ये अपराधी जो है ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, अभी पतासाजी की जा रही है, हम वहाँ की पुलिस से संपर्क कर इनके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। नोट और कागज की गड्डिया पकड़ा दी गई, पूरा मामला बताइए। मलेशिया के नोट भिलाई पहुंचे कैसे, किसने ठगी थी, किसके साथ? सुपेला थाना क्षेत्र का मामला है जहाँ पर प्रार्थी राजीव जैन, उनकी एक शॉप है, उनको कुछ लोग आकर ये बताए कि उनके पास मलेशियन करेंसी है और जिसको एक्सचेंज करना चाहते हैं। शुरुआती दौर में एक दो करेंसी की बात हुई थी जिस पर से जो प्रार्थी है और जो अनावेदक पक्ष है उनके बीच डील हुआ 3.5 लाख रुपए भारतीय मुद्रा को मलेशियन करेंसी में चेंज करने की। तो उस पर से जो अनावेदक पक्ष है, आरोपी हैं जो, उन्होंने 3.5 लाख डील में इनको मलेशियन करेंसी दिया और साथ में 3.5 लाख रुपए का इंडियन करेंसी राजीव जैन से ले लिया। एक्सचेंज होने के पश्चात बाद में राजीव जैन ने जब उन नोटों की पड़ताल की तो वो फेक करेंसी निकले मलेशिया के और उस पर से उन्होंने सुपेला थाना में अपराध पंजीबद्ध कराया, जिस पर से सुपेला थाना की टीम ने तत्काल मामले को संज्ञान लेते हुए घेराबंदी करते हुए ये तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और ये भागने की फिराक में थे और शुरुआती दौर में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पश्चिम बंगाल से इसी काम के लिए शहर दर शहर घूमते रहते हैं और ग्राहक ढूंढते रहते हैं। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ में जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो आपसे शेयर किया जाएंगे। जो सर, कितने मलेशियन नोट इनके पास से बरामद हुए हैं और आए कहाँ से? देखिए, ये शुरुआती अभी हम लोगों ने लोगों को गिरफ्तार किया है, इनके पास से दस्तावेज नामक चीज़ें ऐसे कुछ इसके विशेष मिली नहीं है और करेंसी भी इनके पास से बहुत ही कम मिले हैं। चूँकि ये शुरुआती दौर है इसलिए अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी और अभी जाँच और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इनके पास नोट कहाँ से आए, इनके वैधानिक पात्रता है या और इनके आपराधिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, सारी चीज़ों की पड़ताल के पश्चात हम कह पाएंगे कुछ। जो सर, फॉरेन करेंसी एक्ट के तहत कार्रवाई निश्चित तौर पर इनिशियल स्टेज है, संबंधित जो एजेंसी हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा।